नमस्कार दोस्तों हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज का टॉपिक है कि आपकी नौकरी कब लगेगी या नौकरी बहुत दिन से छूट गई है तो वो वापस कब मिलेगी नौ या फिर नौकरी में जॉब में प्रमोशन ट्रांसफ़र या फिर आपका फाइनेंस कब इंक्रीज होगा नौकरी में सैलरी कब इंक्रीज होगी वो हम लोग आज की कुंडली में जानेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल से रेड बटन होगा गया इसको क्लिक कर दिए उसके बगल में रिंग बेल होगी इसको प्रेस कर दिए ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए समस्याएं हो तो मिल जाए समस्याएँ हो तो मेल कर दिएगा नितिन फाइव फोर नाइन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम डॉट कॉम पर ठीक है और कोई और लोशो की क्लासेस स्टार्ट है वैदिक के पी लाल किताब टैरो पॉमेस्टी वास्तु मैच के कम्पटिशन की क्लासेस स्टार्ट है आप ज्वाइन कर सकते हैं अब चलते हैं टॉपिक की तरफ कि आप लोग अपनी नौकरी में प्रमोशन जॉब और ये सब चीज़ें कब पाएंगे किस तरीके से करेंगे तो आपको यहाँ बता दूंगा। चूंकि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मिथुन लग्न की कुंडली है जहाँ पे तीन नंबर लिखा है ये मिथुन लग्न है ये कुंडली का ही प्रथम भाव है यहाँ आपका एक से लेके बारह नंबर तक कोई भी राशि नंबर लिखा हो सकता है वही उस राशि का ग्रह का स्वामी होगा तो यहाँ पे मिथुन लग्न है और लग्न का स्वामी बुध ग्रह होता है ठीक है तो आपको अपना कुंडली का छठा भाव देखना है तो यहाँ पे छठा भाव जहाँ पे आठ नंबर लिखा है ये कुंडली का सिक्स हाउस होता है यहाँ पे भी आपका कुंडली में एक से लेकर बारह नंबर तक के कोई भी राशि नंबर लिखा हो सकता है वही कुंडली का छठा भाव होता है तो आपको अपने क्या करना है कि कुंडली में छठे भाव में राशि जो नंबर लिखा है उसका स्वामी ग्रह देख लीजिए कौन है ठीक है यहाँ पे वृश्चिक राशि तो इसका स्वामी ग्रह मंगल बनता है तो अब अपनी कुंडली में देखिएगा महादशा कौन सी चल रही है और अंतरदशा किसकी चल रही है महादशा क्या छठे भाव के स्वामी मंगल की अंतरदशा चल रही है या महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है या प्रत्यांतरदशा चल रही है ठीक है तो एक चीज इसको यहाँ पे देखना है अगर वो भी नहीं मिल रही है तो फिर आप कुंडली में आप छठा भाव जहाँ पे आठ नंबर लिखा वहाँ पे अपनी की उंगली रखिए और उसी से गिर काउंट करते हुए छठा भाव आके देखिए तो छठे भाव से छठा भाव देखेंगे तो आठ नंबर नौ नंबर दस नंबर ग्यारह नंबर बारह नंबर और एक नंबर यानी कि तीन चार पाँच छः यानी कि कुंडली का ग्यारहवां भाव छठा भाव पड़ता है तो इसमें भी इसकी राशि मंगल की तो मंगल की अंतरदशा तो नहीं चल रही है वो आपने देखा कि नहीं चल रही है यह अंतरदशा दशा ये चल रही कि नहीं चल रही तो नहीं चल रही है तो छोड़ दीजिए फिर यहाँ पे उंगली रखिए और यहाँ से छ च्छ, छ छठा घर गिनी तो एक दो तीन चार पाँच छः यानी कि कुंडली का चौथा घर में जो राशि छः नंबर लिखा है कन्या राशि वहाँ पे भी आपकी कुंडली में एक से लेकर बारह नंबर तक की राशि नंबर लिखा सकता है जो राशि स्वामी है वही उस ग्रह को देखे यहाँ पे बुद्ध बनता है कन्या राशि तो बुद्ध की महादशा अंतरदशा या प्रत्यांतर अगर दशा चल रही है तो भी उसमें आपका चेंज हो सकता है नौकरी में मिल सकती है जॉब हो सकता है ट्रांसफर प्रमोशन ये सारी चीज अगर इसे चीजें नहीं समझ में आ रही तो फिर से छठे भाव पे उंगली चौथे घर में उंगली रखिए और फिर छठा घर गिनिए एक दो तीन चार पाँच छः यानी नवा घर यहाँ पे नवा घर पड़ता है जहाँ पे कुंभ राशि पड़ती है कुंभ राशि का मालिक शनि तो शनि की महादशा अंतरशा प्रत्यांतर में आपको जॉब नौकरी कुछ या ट्रांसफर प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है अब यहाँ से भी अगर आपको नहीं पता चल रहा तो फिर से गिनिए एक दो तीन चार पाँच छः यानी कि दूसरा भाव तो दूसरा भाव आपका सेकंड भाव आता है तो यहां से ये आप चीजें देख सकते हैं यहाँ पे चंद कर्क कर राशि पड़ती तो वो चीजें हो जाएंगी अगर यहाँ से भी नहीं आपकी दशा महादशा नहीं चल रही अंतरदशा तो आप कुंडली का दशम भाव देखिए दशम भाव यहाँ पे क्या होता है बारह नंबर लिखा है जो वही कुंडली का दशम भाव है यहाँ पे भी आपके एक से लेके बारह नंबर तक की कोई भी राशि नंबर लिखा होता है क्योंकि यहाँ पे दशम भाव की राशि नंबर मिथुन गुरु है मीन राशि है और गुरु इस ग्रह का है स्वामी है तो अब गुरु की महादशा अंतरदशा प्रत्यांतर में इसका हो सकती है नौकरी जॉब ट्रांसफ़र प्रमोशन ये चीज़ें हो सकती है तो यहाँ पे दसवें से दसवां भाव देखेंगे तो सातवां घर यानी कि इसमें भी गुरु ही की राशि पड़ती है अगर इससे नहीं पड़ता है तो दसवां घर सातवें से दसवां घर गिरेंगे तो चौथा घर पड़ता है यहाँ पे भी देख लीजिए उसका भी नहीं हुआ तो फिर इसमें से गिनेंगे दसवां घर तो यहाँ पे कुंडली का पहला घर पड़ता है जहाँ पे मिथुन राशि पड़ती तो इससे भी यहाँ पे जॉब नौकरी ट्रांसफर हो जाएगा अगर इससे यहाँ पे नहीं पड़ता है तो दसवां घर गिनेंगे तो ये आ जाएगा दसवां घर तो दसवा घर की राशि स्वामी फिर बृहस्पति होती है तो यहाँ पे इस तरीके से पहचान सकते हैं लेकिन अगर ये सारी कोई कंडीशन नहीं मिल रही है तो कुंडली का ग्यारहवें भाव से ग्यारहवां घर गिनेंगे तो आपको कौन सा पड़ेगा तो ग्यारहवें भाव में एक नंबर राशि आती है तो ये यहाँ पे सात पाँचवा घर उसका सातवां घर हो गया आठ नौ दस ग्यारहवा यहाँ पे नवा घर पड़ता है तो नवे घर की भी महादशा अंतरदशा प्रत्यांतर में भी आपकी नौकरी जॉब ट्रांसफ़र प्रमोशन ये हो सकता है तो इस तरीके से आप लोग जान सकते हैं अपनी कुंडली में कि आपका नौकरी ट्रांसफर प्रमोशन या जॉब में सैलरी इंक्रीमेंट कब होगा धन्यवाद दोस्तों एलबी चैनल को देखने के लिए प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल प्ल